हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिक जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन सवालों पर ज़रूर फोकस करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे। आने वाले समय में मैं आपको इन वीडियोस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड किंग भोजा अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट बिलोंग, यानी कि साहित्य और कला के महान संरक्षक राजा भोज का नाम आपने अवश्य सुना होगा, वह किस राजवंश से संबंधित थे। तो राजा भोज जो है दोस्तों वो परमार राजवंश से संबंधित थे, यानी ये परमार राजवंश के राजा थे। और जो इनका रीजन था, इनका किंगडम था, ये था मालवा, जो कि अभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये मालवा पे राज करते थे और राजा भोज का जो वंश था वो था परमार वंश। अगला प्रश्न है, द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्धा वॉज, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जो अपना प्रवचन देते थे, तो उसमें किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, यानी कि किस भाषा उनके कौन सी भाषा उनके द्वारा यूज की जाती थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पाली। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों विश्व में अफीम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है वो है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ से अफगानिस्तान के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों काबुल। ठीक है, और यहाँ की करेंसी है अफगानी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है दोस्तों अशरफ गनी। ठीक है, अशरफ गनी जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 243D इन पंचायत हु गेट्स रिजर्वेशन, यानी कि पंचायत में संवैधानिक अनुच्छेद 243D के तहत किन्हें आरक्षण प्राप्त होता है। तो दोस्तों पंचायत में जो हमारा आर्टिकल 243D है, इसके तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC और ST दोनों को जो है आरक्षण प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है A and B बोथ। ठीक है, तो इस आर्टिकल को आप जरूर याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट, तो भारत के किस राज्य में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों जो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, 2014 में इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व कर लिया, यानी कि विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में आता है यूनेस्को के। ठीक है, और इंडिया के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन हु वॉज द फर्स्ट वन टू प्रेजेंट द थ्योरी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बोला था सबसे पहले कॉपरनिकस ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, द नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। यह दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, ठीक है, और तेलंगाना के नलगोटा जिले में स्थित है, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक हुआ करते थे, फिर इनका डिवीज़न हो गया था, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट्स में लाई करता है। अगला प्रश्न है, द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत के सबसे उत्तरी पार्ट से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो 37 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है दोस्तों वो भारत के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट से होकर गुजरता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री नॉर्थ इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पा साइट
वॉज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है इनमें से कौन सा गुजरात में स्थित नहीं है। दोस्तों ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा जा चुका है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों दैमाबाद नामक जगह जो है वो गुजरात में स्थित नहीं है, दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है दैमाबाद। तो हड़प्पा स्थल दैमाबाद जो है वो गुजरात में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 17 ऑफ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, इसकी बात करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। अगला प्रश्न है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, यानी कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की संख्या अधिकतम है। दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश में और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क हैं और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी 9 यानी कि 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इनमें अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें मध्य प्रदेश इज राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ से एक सवाल और बनता है कि भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क और कितने वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि भारत में टोटल नेशनल पार्क जो हैं वो हैं दोस्तों 96 और टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं वो हैं 510 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड 96 नेशनल पार्क हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में और अंडमान निकोबार में, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंज, यानी कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर पीक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गुरु शिखर चोटी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है। द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट, यह है दोस्तों डिगबोई, डिगबोई जो है आसाम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक। और आसाम में डिगबोई नामक स्थान पर भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी सिस्टम स्थित है। अगला प्रश्न है, द साउथ वेस्ट मानसून एनगल्फ्स द एंटायर इंडिया बाय, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत को किस डेट तक यानी कि कब तक घेर लेता है, यानी कि भारत में मानसून कब आता है, दस्तक देता है। तो दोस्तों 15 जुलाई को भारत में मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो दस्तक देता है और तब से वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 जुलाई इज राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।